गर्मियों का मौसम आते ही शुरुआत होती है आम पन्ना की, तो यहाँ पर यह है सबसे अच्छा उपाय गर्मियों में बचने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 3 कच्ची कैरी। आप चाहें तो छोटी कैरी भी ले सकते हैं और आप चाहें तो बड़ी कैरी भी। तो यहाँ पर उसको साफ पानी से अच्छे तरीके से हम धुल लेंगे। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर गैस कर दिया है ऑन और यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े कप पानी इसमें डाला है, उसी के साथ में ये कैरी। और अभी इस कैरी को हमें बॉईल करना है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, जो भी हमारे रेगुलर मसाले होते हैं। तो यहाँ 1/2 से 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, उसी के साथ में नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सारा ऐड करने के बाद में हमें करना है इसको अच्छे से मिक्स, और इसको हमें बॉईल करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट बहुत ही मीडियम फ्लेम पे। आप चाहें तो हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं। और अभी हम इसको रख देना है ढककर के और वेट करना है 15 से 20 मिनट का। उसी साइड मैंने दूसरी तरफ रख दिया था तवा गर्म होने, और यहाँ पर मैं ले लूँगी थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्चें और उसी के साथ में काली मिर्च और थोड़ा सा शाही जीरा। तो अभी हम इसको कर लेना है अच्छे से रोस्ट, क्योंकि हमें ये फ्रेश फ्रेश भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च का बनाना है एक मिक्सचर। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो ये कैरी थी ये बॉईल हो चुकी है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो इसको हमें कर लेना है पील। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ पूरी तरीके से अच्छे से बॉईल हो चुकी है और अभी गर्म थी काफ़ी। तो अभी हम इसको इस तरीके से कट करेंगे और इसके अंदर का जो बीज है इसमें अभी गुठलियाँ नहीं हुई हैं, बहुत ही ये हल्का बीज है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसको कर लेना है अलग। आप चाहें तो केवल इस तरीके से इसका पल्प निकाल सकते हो या फिर आप इसके पीसेस भी कट करके डाल सकते हो। तो यहाँ पर ये काफी गर्म था, तो इस तरीके से हम इसको एक मिक्सर में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मिक्सर में हम इसको डाल करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है अभी। तो ये देखिए कितना शानदार इसका पल्प का ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर एक बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एकदम चिल्ड वाटर इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी और यहाँ इसको दे देंगे अच्छे से एक मिक्स। उसी के साथ में आप यहाँ पर आपको जो भी स्पाइसेस मसाले डालने हैं वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सूखे हुए भुने मसाले का जो मिक्सचर रेडी किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसी के साथ में इसमें मिंट की सूखी हुई लीव्स हैं और यहाँ पर सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, आप जो भी पसंद करते हो वो दोनों डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दोनों का यूज़ किया और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर हींग भी ऐड किया था। तो अभी बारी आती है जीरे के तड़के की। तो यहाँ पर मैंने तड़का वाला आम पन्ना बनाया था क्योंकि आज सबकी डिमांड थी कि तड़का वाला आम पन्ना पीना है। तो यहाँ हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो तड़के की बाहर ना जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको टेस्ट कर रही थी तो नमक यहाँ मुझे कम लगा, तो यहाँ पर फिर मैंने ऐड किया इसमें थोड़ा सा नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आपको शुगर भी डालना हो तो शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग इसमें गुड़ या शुगर डालते हैं, बट मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ। तो अभी इसको मिक्सचर देने के बाद में थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ कवर करके, और उसके बाद में इट्स रेडी टू सर्व। गर्मियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका, ये मुझे किसी ने बताया था। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक कांच का ग्लास और एक नींबू को हम इस तरीके से ग्लास के किनारों पर अच्छे से रगड़ लेंगे, और उसके साथ में प्लेट में मैंने लाल मिर्च पाउडर और नमक और काले नमक को आपस में मिला लिया था। और ये देखिए इस तरीके से हम ग्राइंडिंग देंगे और यहाँ पर एक लगाएंगे लेमन का स्लाइस। तो इस भयंकर गर्मी में और इतनी तेज लू से बचने के लिए इस बहुत ही इंस्टेंट और मसालेदार आम पन्ना की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो करते रहिए और चैनल पर बने रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।